आज की इस वीडियो में बताएंगे आप किस तरह ऑनलाइन SDO से आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। ऑनलाइन करके आप SDO से आय प्रमाण पत्र बना सकते हो किस तरह, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं किस तरह आप बिहार में SDO से ऑनलाइन आवेदन करके आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं SDO लेवल से। किस वेबसाइट से बनेगा, उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो उस वेबसाइट से आप बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड किया ही ओरिजिनल होगा। तो ये कैसे करेंगे अप्लाई, तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब बताते हैं, सबसे पहले इस पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर यू सेल पे रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन खुलेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे 110 है तो इसको 100 में कर देता हूँ। अब 100 सर्विस इसमें दिखाएगा, ठीक है, जितना सर्विस होगा। तो यहाँ पे हमको SDO लेवल से बनाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट एस SDO लेवल। अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो SDO लेवल से बना सकते हैं। अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पे देख लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट एट SDO लेवल। रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है SDO लेवल से तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना, जो आपको बनाना है उस पर क्लिक करना होगा। तो देखिए मैं इनकम सर्टिफिकेट एट SDO लेवल से बनाना चाहता हूँ, इनकम सर्टिफिकेट मैं SDO लेवल से बनाना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अब इसमें क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपको खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म खुल गया, यहाँ भी पूछ रहा है आप आय प्रमाण पत्र SDO लेवल से बना रहे हैं। इससे पहले करना हो क्या आपको, आप आय प्रमाण पत्र CO लेवल से अंचल अधिकारी से भी बना सकते हैं ऑनलाइन। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहले आप अंचल अधिकारी से अपना आय प्रमाण पत्र बना लीजिए, उसके बाद आप SDO लेवल से बना सकते हैं। तो जो अंचल अधिकारी से किस तरह बनाते हैं उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो वीडियो देख के आप अंचल अधिकारी से आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो जब वो आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आपको यहाँ पे आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा या ऑनलाइन आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपको एक सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, यहाँ मांग रहा है सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट नंबर को आपको इसमें इंटर करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको सर्टिफिकेट में कहाँ पर रहेगा। तो ये देखिए आय प्रमाण पत्र है, यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र संख्या दिया गया है, ये प्रमाण पत्र संख्या आपको वहाँ पे देना है, इसमें आपको ये प्रमाण पत्र देना है, ये मेरा अंचल अधिकारी से बना हुआ है। तो ये प्रमाण पत्र संख्या हमको इसमें देना होगा इस बॉक्स में। तो चलिए इस बॉक्स में हम इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम आपको इंग्लिश में, जो भी नाम आप वहाँ पे बनाते वक्त देते वही नाम सेम आपको यहाँ पे इंग्लिश में देना होगा। तो चलिए इस पे ये दोनों चीज़ फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या नेम देने के बाद आपको गेट डाटा पे क्लिक करना है, गेट डिटेल पे क्लिक करना है। चलिए गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा, गेट डिटेल करने के बाद इस तरह एरर आएगा तो इस पे ओके कर देंगे। उसके बाद नीचे में एक फॉर्म आपको खुल जाएगा इस तरह, यहाँ पे देख लीजिए ये फॉर्म आपको खुल जाएगा। ये फॉर्म आपके द्वारा भरा गया सारा डिटेल है जो आपने आवासीय
ब्लॉग से बनाते हुए वक्त दिया था जो जानकारी, सारा जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से फिलअप है, ठीक है। तो आपके द्वारा जितना भी चीज़ पहले से भरा दिया गया, भरा गया था, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है, फिलअप ऑटोमेटिक किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाना नीचे कैप्चर, जो कैप्चर आपको दिख रहा है उस कैप्चर को आपको इस बॉक्स में दे देना है। आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ पहले से ही भरा हुआ, आपने जो ब्लॉग लेवल से बनाया था जो भरा था सारा डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे अगर उद्देश्य बदलना चाहे तो आप यहाँ पे उद्देश्य बदल सकते हैं जिस उद्देश्य से, ठीक है। और यहाँ पे इस कैप्चर को इंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला, पूरी डिटेल हमको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक सबमिट बटन है, तो इस पर भी हमको सबमिट कर देना होगा। जिसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए डिटेल बोला जा रहा है, यहाँ पे अंचल अधिकारी द्वारा अपलोड किया, अंचल अधिकारी द्वारा बनाया गया, जो अंचल अधिकारी के द्वारा जो बना आपका सर्टिफिकेट, तो उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। मैं आई के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ आई ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसके लिए आप करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो आई पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना। देखिए यहाँ पे लाल स्टार लगा, इसको भी आपको अपलोड करना अनिवार्य है, और ये डॉक्यूमेंट को भी, दोनों को आपको अपलोड करना अनिवार्य है। आप दोनों का इशू डेट खाली छोड़ सकते हैं, दोनों का इशू बाय और इशू डेट को आप खाली छोड़ दीजिए, रेफरेंस नंबर को भी आप खाली छोड़ दीजिए। सिर्फ यहाँ से प्रमाण पत्र सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से चॉइस फाइल पर क्लिक करके उस प्रमाण पत्र को आप यहाँ अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आय जो प्रमाण पत्र जो ब्लॉग से बना था वो भी अपलोड कर दिए हैं, और आधार कार्ड भी अपलोड कर दिए। इशू बाय इशू डेट रिफ्रेंस नंबर को मैं दोनों बॉक्स में खाली छोड़ दिया हूँ, और ये खाली भी छोड़ देंगे फिर भी ये अपलोड ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पे, नीचे में सेव पे क्लिक करना होगा। ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है, देखिए मैंने सेव पे क्लिक किया, ये अपलोड ले चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक फाइनली सबमिट है, तो सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये हमारा रिसीप्ट हो गया, रसीद हो गया, और ये हमें मिलेगा 5 तारीख को, 5/8 को। आज मैंने 24 तारीख को किया अप्लाई, 5 तारीख को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, इस रसीद को हम डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ फाइल में। तो ये डाउनलोड हो चुका है, ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब ये बन गया, अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे और गेट डाटा पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो बनाया है इनकम सर्टिफिकेट एचडीओ लेवल से, ये हो गया, ये अभी मैंने जस्ट बनाया है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या है अंडर प्रोसेस, रहेगा तो अंडर प्रोसेस दिखाएगा, जब ये बन जाएगा तो डिलीवरी दिखाएगा, ठीक है। और इस पर मान लीजिए ये डिलीवरी है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, इसी तरह जिस तरह आय प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड किए थे उसी तरह आप इसको भी डाउनलोड कर लेंगे जब ये डिलीवरी दिखाएगा। तो यही था कुछ साधारण सा प्रक्रिया जिससे आप घर बैठे एचडीओ से इनकम सर्टिफिकेट बनाना सीख गए। तो घर बैठे अब एचडीओ से इनकम सर्टिफिकेट बनाना सीख गए। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे।